कोई कुपोषण का शिकार ना हो, इस मकसद से केंद्र ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया, लेकिन हनुमानगढ़ में ये योजना वेंटिलेटर पर है। हर पेट को भरपेट भोजन मिल सके और देश में कोई भुखमरी की वजह से अपनी जान न गंवाए और कोई कुपोषण का शिकार ना हो, इस मकसद से केंद्र ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया, लेकिन हनुमानगढ़ की ये योजना वेंटिलेटर पर है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो कहते कणक है नहीं जी, खत्म होगी, अब की बार गए तब भी कहते कणक आई नहीं जी, अब तक गरीबों के लिए तो योजना बनी है ये, अब गरीबों को नहीं देंगे तो हम क्या खाएंगे बताओ। अब तक 6,440 टन गेहूं आता था, लेकिन उसमें और भी कटौती कर दी गई। विभाग भी मानता है कि केंद्र से गेहूं आवंटन में कटौती की गई है। 5,970 क्विंटल, लगभग 6,000 क्विंटल गेहूं उन्होंने कम कर दिया, तो कम होने की वजह से जो पात्र परिवार हैं, वो ऐसे परिवार लगभग एवरेज 1,200 से 1,500 परिवार के बीच में वंचित रह जाएंगे। गेहूं कम था जिले को और कम कर दिया गया है, जबकि अन्य जिलों को बढ़ाया गया, तो हमारी इस मांग पर विशेष गौर करके और ये गेहूं बढ़ाए गए और उम्मीद है कि वहां से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इस बात को लेकर स्थानीय नेता कांग्रेस को चुनावी नतीजे में भुगतने को धमकी दे रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार आने के बाद में इन्होंने अपनी कोटा जो कम कर दिया हमारा, तो हमें इसलिए बहुत परेशान है, तो मैं सेंट्रल सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर उन्होंने हमारी कणक नहीं बढ़ाई तो हम यहाँ से जो उनका एमपी है उसको बैन लुटाएंगे। सवाल यह है कि ऐसी ही योजनाओं को लेकर जब कोई सरकार चुनावी रणनीति बनाती है तो बाद में उसकी उपेक्षा क्यों करती है? हकीकत में अगली बार अक्सर उसकी जगह कोई नई योजना के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, शायद यही राजनीति है।